आज हमने बनाया एकदम सॉफ्ट केले वाले मालपुए, वो भी बिल्कुल मार्केट वाले स्टाइल के अंदर, जैसे मार्केट में बनते हैं। देखो कितने सॉफ्ट हैं। आप इस तरह के मालपुए बनाना चाहते हैं तो चलो चलते किचन में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मालपुए के लिए मैंने एक कटोरी भर के आटा लिया है। आधी कटोरी के करीब मैंने सूजी ली है, थोड़ी सी काली मिर्च है, सौंफ है और दो केले हैं जो मैं इसकी प्यूरी बना के इसके घोल में डालूँगा। तो पहले मैं बनाना की प्यूरी बना लेता हूँ। केले के पीस काट लेते हैं जार के अंदर। पेस्ट हमारा तैयार हो गया है, चीज़ों को मिक्स करते हैं। सभी चीज़ों को आटा डाल देते हैं कटोरी। आधी कटोरी सूजी है, सौंफ है, काली इलायची सॉरी काली मिर्च है और ये जो पेस्ट बनाया था ये डाल देते हैं इसमें बनाना का। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बिल्कुल से थोड़ा सा नमक डालते हैं इसके अंदर कि मीठे में थोड़ा सा नमक अच्छा लगता है। और इसको अच्छे से घोल लेते हैं, पहले मिक्स करते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के कई घोल बना लेते हैं। लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर, धीरे धीरे करके पानी डालेंगे, पानी डालेंगे हम और इसके अंदर हमारा कम से कम 2.5 गिलास के करीब पानी जाएगा। और अच्छे से घोल देते हैं और इसमें लम्स फ्री बैटर होना चाहिए। ये तैयार हो गया हमारा, तो इसको अभी रेस्ट करने देते हैं कि सूजी है थोड़ा फूलेगी, तो 10-15 मिनट तक इसको रेस्ट करने देते हैं। जब तक इसकी हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक कटोरी चीनी ली है, तो एक कटोरी में पानी लेऊंगा। एक कटोरी मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर और गैस ऑन कर देता हूँ। थोड़ा सा डाल रहा हूँ मैंने इसमें इलायची पाउडर, आप चाहे इसमें केसर भी डाल सकते हो, वो आपके आपके ऊपर है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैंने पीछे जलेबी बनाई थी उसकी थोड़ी मेरे पास चाशनी पड़ी हुई थी, तो वो चाशनी भी मैंने मिक्स कर दी इसके अंदर। जलेबी की रेसिपी देखना चाहते हो तो मैं हाई बटन के ऊपर इसका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। एकदम क्रिस्पी जलेबी बनी थी, बहुत बढ़िया और बहुत जल्दी बन जाती है। चाशनी में हमारे उबाल आ गया अच्छी तरह से, तो हम इसको बंद कर देते हैं। इसमें हमें कोई एक तार की चाशनी वगैरह का कुछ नहीं है, थोड़ी बड़े बड़े गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो चाशनी डाली थी जलेबी वाली वो अपने ही में थोड़ी गाढ़ी थी, तो उसके हिसाब से ये अच्छी हो जाएगी। अगर ज़रूरत हुआ तो मैं देख लूँगा, ऐसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी नहीं। एक पैन लिया, पैन में मैंने देसी घी डाला है, गैस को ऑन कर देते हैं। बैटर में डालते हैं आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बैटर को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालते हैं। घी हमारा गर्म है और मैंने इसको बिल्कुल मीडियम कर दिया है। जितने साइज़ के आपको मालपुए बनाने हैं उसके हिसाब से उसमें बैटर डाल दिए। मैं एक साइड में एक बार में 3 बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा, बड़े बड़े मीडियम साइज़ के बन जाएंगे मेरे। धीरे धीरे करके बैटर डालना है उसको, जब तक करना नीचे से एक साइड से पूरे अच्छी तरह से ये थोड़ा सिक ना जाए, तभी हम इसको पलटेंगे। एक हमारा थोड़ा सा हो गया तो उसको पलट लेते हैं।
गैस हम हमें मीडियम ही चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है। ये वाला हमारा हो चुका है, उसको चाशनी में डालते हैं। चाशनी हमारी गर्म है, इसको भी थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। ये भी हमारे हो गए हैं, तो उनको भी हम चाशनी में डाल देते हैं। ये हमने पहले डाला था, उसको निकाल लेते हैं। ये भी हमारे हो गए हैं वैसे, ये चाशनी पी गए हैं, ये भी अच्छी है। ये देखिए, ऐसे मैं और भी बना लेता हूँ। सभी मालपुए हमारे रेडी हो गए हैं, एकदम सॉफ्ट बने हैं और एकदम रसीले, मुँह में जाते घुल जाएंगे, ऐसे बने हैं। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।